मैकेनिकल इंजीनियर का। अभी फ्री वीजा है आपका कि पैसे लिया कंपनी आपसे? नहीं नहीं, हम विजिट पे आए थे, तो जब हमारी जॉब लगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा कंपनी हमको दी, फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा अच्छा, बाकी अभी आप घर जाओगे, टिकट किसका रहेगा? कंपनी का ही है। तो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मुझे काफ़ी भाई के कमेंट आ रहे थे कि सोनू भाई, दुबई के अंदर जो इंजीनियर होते हैं उनकी सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो गाइस, मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो पर, क्योंकि हमारे साथ हमारे भाई आ चुके हैं। भाई कैसे हो? भाई बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो भाई यहाँ पर जॉब करते हैं दुबई के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियर की भाई की जॉब है। तो बड़े दिनों के बाद इनसे आज मुलाकात हुई, तो आज ये पूरा एक्सपीरियंस बताएगा इस वीडियो पर, जॉब कैसे मिलती है और क्या क्या डाटा इसमें होता है। तो ब्रो आप कुछ बताओ। भाई सबसे पहले मैं 2 अक्टूबर 2021 को दुबई आया था। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हमारे फादर यहाँ, उनकी शॉप है, तो हमको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम विजिट वीज़ा पर आए थे, लेकिन हमको अंदर से डर भी थी कि हमको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इंडिया में काम किया था वो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड नहीं था, हमने ऑफिस में काम किया था। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी। तो लेकिन मैंने पहले दिन जब अप्लाई किया ना, डुबिजल का नाम आप सुना होगा। जी जी, डुबिजल पे मैंने अप्लाई किया था, तो 4 जगह से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई मेरे व्हाट्सएप पे कि कल आपका इंटरव्यू है। तो 3 तारीख में मैं इंटरव्यू देने गया, चारों के चारों कंसल्टेंसी निकली। अच्छा अच्छा। तो पहले कंसल्टेंसी पे जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने क्या काम किया, मैंने बताया कि मैंने यहाँ कंट्रोल रूम में एक फोकस एनर्जी लिमिटेड की कंपनी राजस्थान में उसमें काम किया है। तो वो बोली आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आपके पास डिग्री, हम आपको 4,000 सैलरी दिलवाएंगे। क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो मुझे जो लगा कि मैं 2,000 तक पा सकता हूं क्योंकि मुझे काम नहीं आता था, तो मैंने कहा 2,000-2,500। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 4,000 दिलवाएंगे। अच्छा, मैं बहुत खुश हो गया। तो फिर उन्होंने बोला लेकिन पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 210 दरहम का। और जो इंटरव्यू ले रही थी वो लेडीज़ थी, शायद पाकिस्तान की थी, और हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं तो बहुत शाही पर्सन है। तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैं मना नहीं कर पाया, 210 दरहम का रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से गया दूसरी कंसल्टेंसी पे, वहाँ भी यही सीन हुआ, वो भी 210 दरहम। तब मेरे दिमाग में आया कि ओ, ये लोग स्कैम कर रहे हैं क्या, फ्रॉड हो रहा था मतलब। हाँ, मतलब मेरा 210 दरहम वहाँ चला गया। तो दूसरी जगह जब वो 210 दरहम मेरे से मांगी तो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, वहाँ से मैं एक्सक्यूज दे के निकल गया। फिर मैं तीसरी जगह गया, क्योंकि 4 जगह से कॉल आई थी मेरे को। तीसरी मतलब जो बाजार बता रहे हैं आपको, पूरा लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं जी भाई ना, क्योंकि अपना काम होता है आपको सब कुछ तो सच्चाई है वो दिखाना, बाकी फ्रॉड तो जगह जगह हो रहा है दुबई के अंदर ही। फ्रॉड होता है, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे पूरा लीगली है, इलीगल भी होता है। बाकी आगे क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि देखिए भाई, ये जो कंसल्टेंसी होती है ना, ये लोग लाइसेंस लेके बैठते हैं, ये लोग आपसे कंसल्टेंस फीस के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आप उसको क्लेम नहीं करोगे, वापस नहीं मांग पाओगे। सही, सही। लेकिन वो लोग आपसे बोलेंगे कि आपको 1 हफ्ते में जॉब नहीं मिली तो पैसा वापस कर देंगे। अच्छा, लेकिन कोई पैसा ले नहीं पाता है, ज़्यादातर कोई नहीं ले पाता, एक बार पैसा गया तो आप भूल जाओ। तो इसी तरह मैं 3 कंसल्टेंसी पे गया और 210 दरहम मेरा लॉस हो गया, क्योंकि 2 पे मैंने पैसा नहीं दिया। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई स्किल बी है, उस टाइम स्किल बी नया नया आया था, तो मैंने स्किल बी पे ट्राई किया और स्किल बी पे एक वैकेंसी मुझे दिखी मैकेनिकल इंजीनियर की, जो कि फायर फाइटिंग और फायर अलार्म से रिलेटेड थी। तो मैंने अप्लाई किया तो वहाँ से मुझे कॉल आई। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया दूसरे दिन, तो उनको रिक्वायरमेंट थी मैकेनिकल इंजीनियर की। जी जी। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया और उन्होंने मुझसे ये मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि स्प्रिंकलर क्या होता है, फायर अलार्म का सिस्टम क्या होता है। मैंने जो भी गलत सही मुझको आता था मैंने बता दिया, उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। जी जी। तो अभी आपकी सैलरी वगैरह कितनी है? सैलरी भाई देखिए 2,500 मिलती है, लेकिन उसमें रहना कंपनी देती है, खाना आपका होगा, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी देती है। तो मैं थोड़ा बहुत घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, तो 1,000-1,200 मेरा घूमने फिरने में चला जाता है, 1,200-1,500 यही बचता है भाई दुबई में। और बाकी इसमें सैलरी और ड्यूटी वगैरह क्या होती है? ड्यूटी हमारी तो बहुत अच्छी थी, सुबह 8 से शाम के 5 तक, अगर कभी ज़्यादा हो गई तो उसका ओवर टाइम मिलता था। और ये हमारी आईडी है, ये हमारी कंपनी का नाम है। बाकी जॉब ये अपने भाई विजिट पे है, उनको जॉब चाहिए है जो आप कर रहे हो, उनको जॉब कैसे मिलेगी है थोड़ा? मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले तो आप अच्छे से काम सीखिए। देखिए हमारे फादर यहाँ रह रहे थे, मैं उनको यहाँ पहुँचाने आया था और मुझे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा इस काबिल हैं कि हम यहाँ 3 महीने नहीं 6 महीने रह सकते थे। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसका कोई यहाँ पर नहीं रहता है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो इंडिया में किसी ऑफिस या किसी एजेंट के थ्रू आ जाए, क्योंकि यहाँ जब आप जाओगे आपसे यही पूछा जाएगा भाई गल्फ़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। सही सही, एक्सपीरियंस मांगते हैं यहाँ पे, बिल्कुल मांगते हैं। बाकी इसमें कि आपकी जो जॉब है इसमें जो हेल्पर वगैरह होते हैं कुछ जॉब वगैरह मिलती है? हमारी कंपनी में हेल्पर नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना फायर सेफ्टी का, तो मिनिमम जो डिप्लोमा मांगते हैं जी जी, उसको भी यूए एम्बेसी से पहले वेरीफाइड कराना पड़ेगा आपको अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट, उसके बाद ही वीज़ा लगता है फायर की कंपनी में, मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरी भी डिग्री पहले वेरीफाई हुई थी। अच्छा अच्छा। तो ये गाइस है कि आपको मतलब एक्सपीरियंस है यार काम का,
जो भी काम में आप आ रहे हो, मैं जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए ना, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप यहाँ आओगे ना, 3 महीने में आपका 1,00,000 रुपए से ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और नौकरी मिलने का चांस 10-5% है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है। तो आप अगर अच्छे एजेंट या कोई भरोसे वाला एजेंट है उसके थ्रू आ जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप यहाँ आओगे, 3 महीना घूमोगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, मायूस होकर घर जाओगे। वहाँ भी लोग, क्योंकि जब आप घर से आते हो या गाँव से आते हो बड़ी उम्मीद लेके आते हो, पूरा गाँव रिश्तेदार आपको विदा करने के लिए आते हैं, खाली हाथ जाते हो तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जो वीजा है आपका, अभी फ्री वीजा है आपका कि पैसे लिया कंपनी आपसे? नहीं नहीं, हम विजिट पे आए थे तो जब हमारी जॉब लगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा कंपनी हमको दी, फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, कंपनी, कोई भी कंपनी वीजा का पैसा चार्ज नहीं करती, लेकिन जो आप बीच में एजेंट होते हैं ना वो पैसा खाते हैं। सही, या जो छोटी मोटी दुकान होती है वो लोग पैसा काटते हैं वीजा का आधा, लेकिन बड़ी कंपनियां या जो जेन्युइन काम होता है वीजा का पैसा कंपनी चार्ज नहीं करती, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है, आप वीजा का पैसा नहीं ले सकते हो। तो अक्सर वीजा फ्री होते हैं, लोग बस बीच में खा लेते हैं। हाँ, ये मेरा वीजा ही फ्री है। अब बहुत लोग का वीजा जो है फ्री होता है, बाकी अभी आप घर जाओगे टिकट किसका रहेगा? कंपनी का ही है। एक साल में अगर मैं जाऊंगा जी तो एक तरफ का टिकट, अगर 2 साल पे जाऊंगा दोनों तरफ का टिकट, प्लस लीव सैलरी 1 मंथ की। अच्छा, 1 साल पे 1 महीने की लीव सैलरी भी मिलती है। बाकी सैलरी वगैरह अभी बढ़ जाएगी आपकी 2 साल के बाद, डबल होगी? अब ये तो वीजा रिन्यू करेंगे तब, अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक मिथ है, लोग सोचते हैं ना कि दुबई में 6 महीने पे सैलरी बढ़ जाएगी 1 साल पे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत लिमिटेड कंपनी में होता होगा। अच्छा, नहीं तो आपका 2 साल के बाद ही जब वीजा रिन्यू होता है ना, 400, 500, 200 ऐसे जो भी बढ़ाना हो बढ़ता है, ये बढ़ता है। तो चलो गाइस, आई होप आपने पूरी तरह से वीडियो देख लिया है, काफी अच्छी तरह आपको समझा दिया भाई ने। तो भाईजान भी अपना यूट्यूब चैनल बोल दो अपना किस नाम से? मेरा नाम, चैनल का नाम है इंजीनियर अरसलान। तो ये भी तरह तरह की वीडियो बनाते रहते हैं दुबई के अंदर। तो आपको कुछ भी जानकारी चाहिए जॉब के बारे में, आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए निश्चित आप इनको फॉलो कर लेना और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और कुछ नहीं भाई, थैंक यू। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो पर यही अपडेट था, बाकी देखते हैं 1 साल के बाद के भाई की सैलरी कितनी होती है और ड्यूटी वगैरह क्या होती है, आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू।